नमस्कार और आदाब दोस्तों। बस्ती की तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तब जाने। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। पता नहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को क्या हो गया है। गुलाम नबी आजाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के एक कार्यक्रम में भी गुलाम नबी आजाद ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े हुए नेता है, अपनी जिंदगी के बारे में उन्होंने कुछ भी किसी से नहीं छिपाया। बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने सबको बता दिया कि वह चाय बेचते हैं। इस तरह के नेता है नरेंद्र मोदी। इस तरह की बातें गुलाम नबी आजाद ने कही। उन्होंने इससे पहले भी तारीफ की थी, आपको बता दूं कि राज्यसभा से रिटायर होने के मौके पर भी उन्होंने तारीफ कर दी थी। इससे पहले नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए थे और उन्होंने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद तारीफों का सिलसिला सा शुरू हो गया है। पहले नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं गुलाम नबी आजाद की, उसके बाद गुलाम नबी आजाद तारीफ करते हैं, और आज फिर गुलाम नबी आजाद के मुंह से नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधे गए। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? और चुनावी विश्लेषक ये बता रहे हैं कि हो सकता है नरेंद्र मोदी के की शरण में चले जाएं गुलाम नबी आज़ाद और भाजपा का दामन पकड़ सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद। और आपको बता दूं कि हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा से रिटायर हो चुके हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। आइए इसके बाद हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर से जोड़ते हैं, पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। सियासत के बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है, एक ऐसी खबर जो सुकून देने वाली है। पश्चिम बंगाल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में आज 7 जोड़ों को, गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले 7 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया यहाँ के लोगों के सहयोग से। विशेषकर गुजराती समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान था और गुजराती समाज की तरफ से 7 गरीब परिवार के जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया। इस मौके पर विधिवत पूजा अर्चना की गई और ढोल नगाड़ों के बीच शादी की रस्म पूरी हुई। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ किस तरह से शादी की रस्म पूरी हुई और सभी में काफी जोश दिख रहा है। तमाम 7 जोड़ों में काफी सुकून दिख रहा है उनके चेहरे पर। कहते हैं कि यह बहुत बड़ा समाज सेवा का काम होता है और गरीब परिवार की लड़की को अगर उसके साथी से मिला दिया जाए तो इससे बड़ी समाज सेवा नहीं होती है। आप देख सकते हैं एक बार फिर से स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से यहां लड़कियों के चेहरे पर जो दुल्हन बनी है, जिन्हें दुल्हन बनाया गया है और जिन्हें जोड़े से मिलाया गया है, सभी जोड़ों में काफी खुशी दिख रही है इस मौके पर। और हमारे संवाददाता वसीम खान ने यहां पहुंचकर यहां के लोगों से बात की और जायजा लिया कि किस तरह से यहां के लोगों में काफी जोश और उत्साह दिख रहा है। इस मौके पर बबलू पटेल की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही, उन्होंने तमाम अतिथियों का पुरजोर तरीके से स्वागत भी किया। चुनावी मौसम आते ही कोलकाता का ब्रिगेड एक बार फिर से गुलजार हो गया। हर रोज कोई ना कोई सभा यहां की जा रही है। आज एक सभा की गई, जनसभा का आयोजन किया गया और ऐसा दावा है कांग्रेस वामफ्रंट और इंडियन सेकुलर फ्रंट का कि आज की जनसभा काफी कामयाब रही और इस जनसभा में हजारों की तादाद में लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों से यहां पहुंचे। आपको बता दूं कि आज ब्रिगेड में वाम फ्रंट, कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा को इन सभी पार्टी के नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी यहां मौजूद थे, जबकि वाम फ्रंट की तरफ से भी तमाम वरिष्ठ नेताओं को यहां देखा जा रहा है। विमान बसु सहित नेता यहां नजर आए और तीसरी तरफ इंडियन सेकुलर फ्रंट की तरफ से इसके अध्यक्ष पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को भी यहां देखा गया। अब्बास सिद्दीकी ने सीधे सीधे प्रहार किया ममता बनर्जी पर, ममता बनर्जी सरकार पर प्रहार करते हुए अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि ममता बनर्जी ने यहां के डेवलपमेंट के लिए, यहां के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और इस दौरान आपको बता दूं कि एक वाकया हुआ, जब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी यहां पहुंचे तो उनके समर्थकों ने यहां शोरगुल मचाना शुरू किया, उनके समर्थन में यहां नारेबाजी शुरू कर दी। तभी स्पीच कर रहे, स्टेज पर भाषण दे रहे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी वहां से जाने लगे नाराज होकर। यह वाकया यहां देखा गया और नोट किया गया कि अधीर रंजन चौधरी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के समर्थन में नारे लगाने से नाराज हो गए और जब अब्बास सिद्दीकी माइक पर आए उन्होंने संबोधित करना शुरू किया तो संबोधन में उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने वाम मोर्चा और
अपनी पार्टी का नाम लिया लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया, इस तरह की बातें यहां देखी गई। बहरहाल वाम मोर्चा कांग्रेस और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी का यह कहना है कि आज की जनसभा काफी कामयाब रही। हालांकि सीटों को लेकर अभी भी इन लोगों में विवाद चल रहा है, अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक आखिरी फैसला नहीं हुआ है और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी पता नहीं, अब तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं आ रही है। अगर इस बारे में हमारे पास खबर आई तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। पश्चिम मेदिनीपुर के दातन से भी काफी तादाद में वामफ्रंट के समर्थक आज कोलकाता के ब्रिगेड पहुंचे और यहां पहुंचकर इस जनसभा को कामयाब बनाया। आप देख सकते हैं कि यहां से किस तरह से उत्साहित भाव से वामफ्रंट के लोग जा रहे हैं, कोलकाता के लिए रवाना हो रहे हैं और इन लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है और इन लोगों का कहना है कि वामफ्रंट की शक्ति अभी भी कमजोर नहीं हुई है, वामफ्रंट अभी भी ताकतवर है और यहां काफी जोश दिखा लोगों में। यहां से काफी तादाद में लोग ब्रिगेड की रैली में पहुंचे और वहां जनसभा में हिस्सा भी लिया। पश्चिम मेदिनीपुर के दातन इलाके में वामफ्रंट के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश दिखा हमने आपको दिखाया। आपको जानकारी दे दूं कि 7 मार्च को ब्रिगेड आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ब्रिगेड से एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि आज की जनसभा में कांग्रेस के तमाम आला नेता तो मौजूद थे ही राज्य स्तर के, लेकिन इस जनसभा में राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी नहीं देखी गई और न ही प्रियंका गांधी वाड्रा यहां मौजूद हुई। बहरहाल यहां के स्थानीय नेतागण कांग्रेस के यहां मौजूद थे और इस जनसभा का आयोजन किया गया। आपको लिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। रानीगंज में आज एक रैली निकाली गई, आज एक जागरूकता रैली निकाली गई नौजवान क्लब की तरफ से। सेफ ड्राइव सेव लाइफ के नारों के साथ यह रैली निकाली गई। आप देख सकते हैं कि इस रैली में काफी संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया और लोगों को यह बताया कि आप ड्राइव करें लेकिन काफी संभल कर करें और सावधानी के साथ करें। आदाब और नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के रॉबिन्सन स्टेडियम के पास, जहां नोबो जागरण के संस्था के द्वारा एक सेव लाइफ सेव ड्राइव का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसकी अगुवाई शुभम पांडे कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी कि इस बाइक रैली कहां से क्या रूटिंग होगा, क्या रूट होगा, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ खास बात इंडिया और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे शुभम पांडे। आइए जानते हैं क्या रूटिंग होगी जो यहाँ के रैली निकालेंगे, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। सर खास बात इंडिया में आपका स्वागत। आज जो आप लोग एक अभियान निकाल रहे हैं सर सेफ लाइफ सेफ ड्राइव के लिए, तो ये कहाँ से कहाँ तक ये बाइक रैली जाएगी? हम लोग का जो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ का रैली है वो स्टेडियम से स्टार्ट हो रहा है। स्टेडियम से स्टार्ट होने के बाद पी एन मलिया रोड, डालपट्टी मोड़, ऐतवाड़ी मोड़, बड़ा बाजार, तिलक रोड, चीनकुटी मोड़, स्टेशन, उसके बाद एन एस बी रोड पकड़ के नजरुल स्टेशन होकर फिर ढुक के रविंद्र स्टेडियम आ जाएगा। मैंने टोटल आप बाइक का जो रैली है टोटल कितना है क्वांटिटी? देखिए वो तो आप लोग बताइएगा, हम लोग को गिनने का भी आदत नहीं है, बताने का भी आदत नहीं है, वो लोग आप लोग अपना वीडियो में दिखा दीजिएगा पब्लिक को। और ये जो संस्था है सर जो नोबो जागरण की तरफ से करे, तो ये जो बाइक रैली सेफ ड्राइव सेफ यंग जनरेशन के लिए मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? देखिए यंग जनरेशन तो हम लोग का साथ है बोल के हम लोग इतना बड़ा एक तो बाइक रैली कर पा रहे हैं और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ एक तो इतना बड़ा मुद्दा कुछ है नहीं जो इसके लिए इतना भीड़ इकट्ठा किया जाए। हम लोग रानीगंज के आदमी लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाला फ्यूचर में रानीगंज का जो इतिहास है वो हम लोग अपना हाथ से लिखेंगे। ये जो तादाद देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये लोग एक साथ मिल के रानीगंज का इतिहास बनाएंगे। आपका नाम परिचय? मेरा नाम शुभम पांडे, नवजागरण का प्रेसिडेंट। आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 62 नंबर वार्ड में जल जमाव की समस्या के कारण यहां के लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से यहां जल जमाव है और जल जमाव की वजह से यहां के लोग खासे नाराज हैं, आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय वार्ड पार्षद से इस बारे में कई बार यहां के लोगों ने कहा लेकिन इस समस्या की तरफ वार्ड पार्षद का ध्यान कभी नहीं गया और यहां के लोगों का यह भी कहना है कि जबकि वार्ड पार्षद इसी रास्ते से हर रोज
जाते हैं आते हैं, लेकिन उनका ध्यान कभी भी इस समस्या की तरफ नहीं गया, जबकि इस समस्या की वजह से काफी परेशानी हो रही है यहाँ के लोगों ने। हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से बातचीत भी की। दादा एक ने क्यों चे? अरे हिंदी में बोलो। এখানে রেলের ব্রিজের নিচ দিয়ে আমাদের করণী যাবার ইন্দিরা গান্ধী করণী যাবার রাস্তা আছে। এটা আজ 5 বছর হয়ে গেল এরকম জল জমছে, জল জমছে। আমাদের নিউ কলোনির লোকেদের আসা যাওয়ার খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমরা 72 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি। তাহলে এই কত নম্বর ওয়ার্ড আছে? এটা 72 নম্বর ওয়ার্ড আছে, 62 নম্বর ওয়ার্ড আছে। এটা আপনি জানেছেন এই বিষয়ে? আমাদের কলোনির সব মানুষ জানিয়েছে এখানে, ওর এখানে আসা যাওয়া আছে, সামনে বাড়ি আছে, তাহলে কিছু অ্যাকশন হচ্ছে না? কিচ্ছু অ্যাকশন হচ্ছে না, কিচ্ছু অ্যাকশন হচ্ছে না। লাস্ট এই রোডটা আর ওইদিকে যে রেলের পাশ দিয়ে আমাদের যে রোডটা আছে সেই রোডটায় 2 বছর ধরে পাইপ আছে, রেলের পাইপ, কর্পোরেশনের পাইপ, ওয়াটার লাইন ঢুকছে, ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। ওই দিক দিয়ে যেতে পারছে না, মানুষ এই দিক দিয়ে যাচ্ছে, এই দিকেও জল কাদা। দেখো তুমি দেখাও কীরকম অবস্থা, মানুষ হেঁটে তো যেতেই পারবে না, গাড়ি নিয়েও যাওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আমার নাম তুষার মুখার্জি, আমি 37 বছর ধরে ব্লাড ডোনেশন সোশ্যাল কাজ করছি এখানে। আমাদের সব নিউ কলোনির ছেলেরা দেখো, ছবি দেখাও ওদেরকে, নিউ কলোনির ছেলেরা কাজ করছে। কী হয়েছে আজকে এখানে? এখানে ব্যাপার দীর্ঘদিন ধরে এখানে মানে একটা রাস্তা স্কোর রাস্তা প্লাস রেলের পুল, এখান দিয়ে টোটাল লোক যাওয়া আসা করে, যখন গেটটা বন্ধ থাকে টোটাল প্রাইভেট আমাদের যে বোর্ডরা পাথরঘাত লালবাজার সমস্ত লোক গেটটা বন্ধ থাকলে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে, কিন্তু ডেলি এক দুটো করে ফ্যামিলি নিয়ে গাড়ি নিয়ে ডেলি এখানে স্লিপ কেটে পড়ে যায়। জলটা পুলের অবস্থা কী অবস্থা, এই রাস্তার অবস্থা কী, একটা রাস্তা এদিক দিয়ে নেমেছে, এই রাস্তাটা পুরো ব্লক হয়ে গেছে, সেই কারণে মানে আমাদের বলো কী বলতে হবে। এটা যে রাস্তাটা যে বলছেন কি হয়ে গেছে, তাহলে এই রাস্তা কি মানে কে আছে এখানে যে আছে এখানে রাস্তার কে আছে দেখার জন্য? আমাদের লোকাল কাউন্সিলর আছে। কী নাম আছে ওনার? বিশ্বনাথ মণ্ডল আছে। তাহলে ওনার সাথে কথা হয়েছে না? না। তাহলে ও দেখতে পাচ্ছে না কি এমনি কেন? ও তো ডেলি এটা দিয়ে যাওয়া আসা করে, কিন্তু ওর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই এই যে আমার রাস্তা খারাপ আছে, এখানে লোক যাওয়া আসা করছে ডেলি, মানে 2-1টা করে ডেলি এখানে গাড়ি মোটর সাইকেল নিয়ে পড়ে যাচ্ছে। এখানে তো মানে রেলওয়ে ক্রসিং আছে। হ্যাঁ রেলওয়ে, তাহলে এটা কি মানে রেলওয়ের? হ্যাঁ রেলের 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 পুলের মধ্যে জল ঢুকছে, রেলের পুল দিয়ে সবাই যাতায়াত করে আমাদের টোটাল। এক একটা অসুস্থ রুগী যেমন হলো সেটা গেট বন্ধ থাকলে এটা দিয়ে যাতায়াত করে, স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাওয়া আসা করে, পরীক্ষা হয় তখন হয়তো লেট হয়ে যাবে, এটা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স যাবে কোন দিক দিয়ে? আচ্ছা এই বিষয়ে আপনি কাউন্সিলরকে জানিয়েছেন? না এই বিষয়ে আমি জানাইনি, আমরা নিজেরা আমরা সোশ্যাল কাজ করছি, আমরা সব পাড়ার ছেলে নিয়ে, আমরা অনেক দিন ধরে ও দেখছে করছে না, তখন আমরা নিজের ছেলেরা নিয়ে আমরা করছি। আপনার নাম? আমার নাম স্বপন দাস। কোথায় থাকেন আপনি? আমি কুলটি নিউ কলোনি। रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच खेला गया। यहां T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। 23 फरवरी से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, आज फाइनल मैच हुआ। फाइनल मुकाबले में काफ़ी संख्या में दर्शक यहां मौजूद थे और दर्शकों ने इस मैच का आनंद उठाया। इस मौके पर खिलाड़ियों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। इस संदर्भ में आयोजक से हमारे संवाददाता ने बात की और आपको ये जानकारी दे दूं कि इसका आयोजन, इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन छात्र नेता दिवंगत कमलेश सिन्हा की याद में किया गया था और आज फाइनल मैच खेला गया। हम लोग खाने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा गेम था, बहुत अच्छा गेम था और यहाँ पे जीतना जरूरी था, और जाहिर सी बात है जीतने के बाद हर किसी को खुशी होता है, और जिस हिसाब से हमारा फर्स्ट राउंड से ही टीम था तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे खिताब जीतना पॉसिबल था। तो कितने रनों से मैंने कितने विकेट से जीते आप लोग? हम लोग ने पहला बैटिंग करके 143 बनाया था, 144 का टारगेट दिया था और अगला टीम 120 रन पे ही 8 ओवर समाप्त हो गई। 119 पे रानी टीडीबी कॉलेज। अच्छा अनुभव, बहुत सपोर्ट मिला यहाँ के दर्शकों का, यहाँ सिकंदर भैया, खास करके हमारे जो सिकंदर भैया है उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसके बाद प्रभात भाई हैं और कमेटी है, रिंटू भैया है, सभी ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और यहाँ के जो जितने भी दर्शक हैं उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुकाम पे मैं अपना एक खिताब जीता था, उसके बाद ये वाला गेम है और DPL भी इस बार मैं रनर्स रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा?
नेक्स्ट स्टेप रहेगा राजनंदनी, टेनिस वर्ल्ड कप खेलने का बहुत बड़ा सपना है और राजीव दा ने हमें ऑफर दिया है कि इस बार नियाज 11 यंग बंगाल राजनंदनी टेनिस वर्ल्ड कप में बने। हमारी जैसे हर जगह जाते हैं। जी सर, नाम परिचय। मेरा नाम MD नियाज खान, मैं मेन गेट में रहता हूँ। कितने तारीख से? 23 तारीख से शुरू हुई है। अच्छा, फाइनल आज हो रहा है? फाइनल आज है। कितना टीम पार्टिसिपेट था? 60 टीम पार्टिसिपेट किया। फाइनल चूड़ान्त पर्व जिसमें है, इसे कौन कौन टीम मतलब ये हुआ फाइनल में कौन गया? हाँ, कौन कौन? फाइनल में आपका आपका अंडाल हॉस्पिटल कॉलोनी गया है और आपका नियाज 11 जो दुर्गापुर का टीम है। जीतने वाले का क्या पुरस्कार? जीतने वाले का 75,000 रुपये का इनाम राशि दी जा रही है। अच्छा, रनर्स के लिए? और रनर्स के लिए 50,000 रुपये। मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी यहाँ? हाँ, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपका 11,000 रुपया दी जा रही है राशि। खेल को थ्रू यही मैसेज जा रहा है कि इस शिल्पांचल में रानीगंज में जो खेला होता है बहुत ही अच्छा खेला होता है और यही मैसेज जा रहा है कि रानीगंज में जिस तरह से बढ़िया टूर्नामेंट हो रही है इस तरह होते जाए। मेरा नाम प्रभास सिंह हुआ, मैं CCRC का मेंबर हूँ। CCRC क्लब का मैं मेंबर हूँ। कुल्टी के कुलतोड़ा इलाके से स्थानीय लोगों ने एक मवेशी चोर को पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दूं कि यहाँ कुछ दिनों से मवेशी चोरी का सिलसिला सा चल रहा था, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई मवेशी चोरी किए गए और आज यहाँ के लोगों ने मिलकर मवेशी चोर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को सौंप दिया। कुल्टी थाने की पुलिस ने मवेशी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे अदालत में पेश किया गया। आपको बता दूं कि इससे पहले कई बार यहां मवेशी चोरी किए गए हैं। हमारे संवाददाता वसीम खान का यह कहना है कि मवेशी चोरों का एक गिरोह यहां काम कर रहा है जो नजर रखे हुए हैं मवेशियों पर, थोड़ी सी लापरवाही को देखते हुए मवेशी चोरी कर लिए जाते हैं। एक गोरु चोरी है इसे। কোথা থেকে হয়েছে কি ব্যাপার? আজকে মাঠ থেকে গরুটা পাচার করার সময় নিরোডে ধরা পড়ে, ঠিক আছে। প্রথম আমাদের কুলটির কুনুড়ি গ্রামের লোকজন প্রথমে ধরে, তারপরে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশকে খবর দেওয়ার পর পুলিশ ওকে নিয়ে এসে কাস্টাডিতে রাখে, ঠিক আছে। আর তাছাড়া বিগত 2 বছর ধরে কুলতোড়া পুনুড়ি মিলে মোটামুটি 60 গরু চুরি হয়েছে, ঠিক আছে। তো সেই বিষয়ে আমাদের প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে এলাকায়। প্রশাসনের দিক থেকে ব্যাপারটা গুরুত্ব দিয়ে দেখানো দেখা উচিত ছিল, আমরা এর আগে প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু যথারীতি গরু কখনো বেশি কখনো কম। এইভাবে গরুটা কোন জায়গায় চুরি হয়েছে? গরুটা মাঠ থেকে চুরি হয়েছে, ওই রিলায়েন্স পাম্পের পেছন দিক থেকে চুরি হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কুলতলা গ্রাম যে চুরি করেছে কি ধরেছে? পুলিশ ধরেছে, অ্যারেস্ট করেছে। হ্যাঁ, কি নাম আছে ওর? নামটা আমাদের জানা। কোথায় থাকে ওই? ওর বাড়ি না, সেটা ঠিকানা আমাদের কোনো জানা। কত কত গরু চুরি, কত গরু চুরি হয়েছিল মেন আসামি? এর আগে আমরা অনেকবার ধরার চেষ্টা করেছি, হ্যাঁ, আজকে ধরা পড়েনি। এবং এরই যে আরেকজন সাকরের জন্য একজন যে দাঁড়িয়ে আছে তিনি আজকে ছিলেন না, আরেকজন যে ছিল তাকে ধরেছে পুলিশ এবং তাকে থানাতে নিয়ে এসছে। এবং উনি আবার পরে করে বাইক নিয়ে বলছে আমাদের চালান আছে বলে পালিয়েছে। তারপরে পুলিশ আমাদের গ্রামে যায়, গ্রামে আমরা সবাই মিলে বলি, তৎক্ষণাৎ গাড়ির গরুর মালিকও আসে, তো উনি বলেন গরু তো আমার। তো সেই হিসাবে পুলিশ বললো যে বড়োবাবুর সাথে আপনারা বিকেলে আসবেন এবং আমরা পুনুড়ি এবং কুলতোড়া দুই গ্রামের আমরা সবাই মিলে আজ এখানে থানাতে এসেছি এবং আমরা চাই যে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হোক এবং এর জন্য যদি পুলিশ ঠিকমতো স্টেপ নেয় তো ঠিক আছে, না হলে এর থেকেও বড় আমরা আন্দোলন এখানে করব। আপনার নামটা কি? আমার নাম অরূপ মণ্ডল, কুনুড়ি গ্রামের বাসিন্দা। আপনার অসীম হাজারি, কোথায় বাড়ি আপনার? আমার বাড়ি কুলতোড়া গ্রামে। কুলতোড়া। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा आसनसोल के बाद पुरुलिया जिले में पहुंची। पुरुलिया जिले में भव्य स्वागत किया गया। परिवर्तन यात्रा में शामिल भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं का नितुरिया अंचल में जब यह परिवर्तन यात्रा पहुंचती है तो यहां भाजपा के समर्थकों ने काफी जोशो खरोश के साथ इसका स्वागत करते हैं और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से यहां परिवर्तन यात्रा में शामिल लोग उत्साहित हैं। और फिलहाल आपको बता दूं कि बंगाल में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव
की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसे देखते हुए भाजपा के समर्थक काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई थी। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी और कई इलाकों का परिक्रमा करती हुई यह परिवर्तन यात्रा पुरुलिया पहुंची और पुरुलिया में इसका भव्य स्वागत किया गया। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ संपर्क बनाए रखें और हमें अपनी बातों से भी नवाजते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें, अपने सुझाव हमें देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।